السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا عيال؟ الشوب بوي سواجي برنس ريبريزنتينج سكواد زد اند زد. آج میں آپ کے لئے پھر سے لایا ہوں کچھ بہت ہی یونیک کہہ سکتے ہیں گجراتی چھورو چھے. اے سو بگے ڈی کنگ اینڈ بنی یہ تینوں آرٹسٹ ہیں اور بگے سے میری اچھی خاصی بنتی ہے، ہم چیٹ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور ڈی کنگ سے بھی دو تین مرتبہ بات ہوئی تھی. اینڈ جہاں تک مجھے پتہ ہے یہ ٹریپ میوزک پورے گجرات میں یہی لوگ کر رہے ہیں. یس یس یو ہرڈ می، یس ٹریپ میوزک کر رہے ہیں اینڈ دے آر کوائٹ ویری گڈ. اینڈ یہ وی چلن ٹریک آڈیو آیا تھا تقریباً 2 یا 3 مہینے پہلے، پتہ نہیں مجھے، لیکن میں نے سنا تھا، مجھے بہت پیارا لگا تھا. ٹھیک ہے، جو ہک ہے ہک خطرناک ہے اور ورسز بھی اچھے ہیں، اور تینوں بڑے ہی تگڑے آرٹسٹ ہیں. ڈی کنگ کی میوزک ہے، بیٹ ہے، وی چلن میں بنی کا ورس ہے اینڈ ڈی کنگ کا بھی ہے، بگے ہک میں ہے. سو ویڈیو ڈراپ کیا تھا انہوں نے کچھ دن پہلے، تو ہم ویڈیو پہ ریئیکٹ کریں گے. تو سوری، لیٹس ریئیکٹ ٹو اٹ. 1 2 3 یلا حبیبی. مجھے روک نہ پاوے، کرتا بھائی باتیں، بھائی تو
करना भाई काम अपना तू मैं करता हूँ चिल रोज वाई एंड गिवन नो शिट यू जस्ट फर्स्ट फक यू व्हाई यू जस्ट हर्टिंग मी व्हाट अ रीजन Appreciation. Girl, tú eres caliber, bro. Been killing this shit, man, like a pro. You could get it, keep on thinking about everything that I'm doing. It's my first name, bro. I'm a chillin', bro. In the ways, yeah, yeah. I'm a chillin', bro. Give it 100, yeah. The real tragedy of the poor is the poverty. Chala gaya. ओके बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था एंड ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था, मुझे बहुत अच्छा लगा. और कैसा लगा आपको भी? डेकिंग कमाल का आर्टिस्ट है. नहीं, यस यस, यू फील मी? आई नो निगस. सो इसमें गुजराती रैप भी था, बनी का भी था, और हुक जैसे कि मैंने आपको कहा था आपको भी पसंद आया ना. आया ना? यस, मुझे बहुत पसंद है. ओके, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं सुनता था गाना, पर सीन ये है कि फिर जो है फ़ोन चोरी हो गया था, फिर ये हो गया, फिर कुछ हुआ. आप बहुत पहले सुना था. मैं आप लोगों के सामने इसलिए रिएक्ट किया हूँ क्योंकि अच्छे आर्टिस्ट है, अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करना ये हमारा काम है. अगर हम अच्छे आर्टिस्ट को सपोर्ट करेंगे, दिल ब्रिंग यू गुड म्यूज़िक, रियल म्यूज़िक. आजकल हैं यार मेन स्ट्रीम में बहुत सारे आर्टिस्ट है, दे आर सो फकिंग फेक, नो ऑफेंस दे आर ब्रो. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो फेक हैं, एंड आर्टिस्ट की कदर करो यार. लाइक मैं देखता हूँ बहुत लोग हेट कमेंट करते हैं, यू शुडंट डू इट. मैंने आज तक नहीं किया, मैंने आज तक किसी आर्टिस्ट को गाली नहीं दी. एंड आर्टिस्ट की इज्जत करना यार, वो हम डिप्रेशन में होते हैं, हमारा टाइम बुरा चल रहा होता है, हम खुश होते हैं तो हम एक ही चीज़ सुनने का मन करता है, वो होते हैं गाने. और गानों में अगर हिप हॉप सुनेंगे आप तो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको चिल करेंगे, मतलब बहुत कुछ है. अगर मैं बताने लगूँ ना तो वीडियो ख़त्म नहीं होगी, बता रहा हूँ. चलिए तीनों आर्टिस्ट क्या कहते हैं इस गाने के बारे में सुनते हैं. सो बेसिकली हुआ क्या था कि मैं, डी किंग, बनी, हम लोग सब एक शूट पे गए थे गाने के, बैक इन द गेम नाम था वो ट्रैक का एक्चुअली. सो फॉर सम रीजंस वो ट्रैक हो नहीं पाया शूट. सो हम लोग बोर मार के डी किंग के स्टूडियो पे आ गए. वो कहते ना इंसान का दिमाग खटक जाता है अगर कोई काम नहीं होता तो. सो हम लोग ट्रैक, अचानक से डी किंग ने लॉजिक प्रो एक्स खोला उसके पीसी में, एंड स्टार्टेड प्लेइंग अराउंड. वो मचड़ रहा था, एंड एट दैट मोमेंट ही प्लेड अ मेलोडी, टन 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 टन. एंड आई वाज लाइक ब्लोन अवे, आई वाज लाइक ओ ब्रो बहुत सही है, लाइक मुझे बहुत सही लगी. सो मैं उसी टाइम पे मंबल करने लगा, I be chillin' bro. In no worries, yeah. इस तरह हुक बना, बाकी क्या कहना मैन, यू ऑल नो द रेस्ट, पीस आउट. सो यस ब्रो, म्यूज़िक के बारे में वही है कि भाई उस दिन पे हम क्यों मिले थे वो मेरे को पक्का मालूम नहीं है, बट यस शायद तक कोई हम म्यूज़िक वीडियो शूट करने गए थे और बढ़िया शूट नहीं हुई थी या कुछ पंगा पड़ गया था, तो हम नेगेटिव होके ठक्के हार के घर आ गए थे वापस, और वही डिस्कशन कर रहे थे सब. तो वही नेगेटिविटी को सुधारने के लिए मैंने मेरा मिडी कीबोर्ड लैपटॉप में लगाया था और मैं कुछ नई बीट बनाने के लिए बैठ गया था कि चलो कुछ नया करते हैं भाई. तो वही पॉजिटिविटी को लेके मैंने ये मेलोडी क्रिएट की थी, एक दो या पाँच मिनट में ही क्रिएट कर ली थी, और सैम्पल बीट भी रेडी हो गई थी 15-20 मिनट में. तो उसी पर हम फ्री स्टाइल कर रहे थे सब. तो फ्री स्टाइल में अफिल्ला ने, मतलब बिगे ने, ये हुक क्रिएट कर लिया, मतलब वो रैंडम हुक था तो उसमें बनी ने भी साथ दिया था और बढ़िया हुक क्रिएट हुआ था उसी दिन पे, और हुक हमको बढ़िया लगा था. तो 2-3 दिन में ही हमने पूरा ऑडियो ट्रैक रेडी कर लिया था और जल्दी से अपलोड भी कर लिया था यूट्यूब पे. तो बस वही है.
तो भाई वी चिलिन वी आर लाइक वी आर इन द स्टूडियो ऑफ यू ला जस्ट मेड दैट होप एंड शेयर एंड वी वाज जस्ट वाइब इन दैम एंड सडनली मेरे दिमाग में ख्याल आया, मतलब सब कॉन्शियसली हेट किया ये ट्यून, मतलब बिचेरे ना बिचेरे करू पारी पूरी राज पैनिंग आने मेले गड्डी मेरी चले स्लो वे मसेरे वे आगा नो कार मैंने थोड़ी सी अपेले एंड आई वाज लाइक डैम दैट्स समथिंग फकिंग गुड मैन दैट्स सम गुड शिट मैन सो आई वाज लाइक कम ऑन इट वाज लाइक आई वोट दैट शिट. और दूसरे दिन वी वर अगेन इन द स्टूडियो एंड वी बिग ए एंड देख हिम वी वर रिकॉर्डिंग माई वर्ड्स एंड दे वर लाइक व्हाट द फक बट आई टोल्ड देम टू वेट वेट द फक आउट एंड देन शी वाज लाइक प्रॉप व्हेन डी किंग ड्रॉप द शिट आई वाज लाइक या मैन यू डिड सम फन शिट ब्रो एंड आई वाज लाइक डैम वी चिलिंग पीपल. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करना ना भूलें प्लीज़, एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहना कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड घंटी को मत भूलना, मत भूलना. अल्लाह खलीक या जमात अल खैर या शबाब अल्लाह हयाकुम फाहिमूनी वला ला. अगर अरबी समझ में आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही तो मैं आपको सिखा दूंगा. नो वरीज नो वरीज बिकॉज वी बिचलन वी बिचलन वी बिचलन याओ कीप इट 100 कीप इट 100 यू गेट मी कीप इट 100. सो चले वीडियो को ख़त्म करते हैं इस बात पे और हमें प्लीज़ फॉलो करें अपने हमारे सोशल मीडिया पे स्कॉट जेड एंड जेड के इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपडेटेड रहने के लिए. एंड अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं मुझे भी कर सकते हैं एंड आर्टिस्ट ये गाना लिंक में रहेगा ओरिजिनल वीडियो और इन आर्टिस्ट के आपको सोशल मीडिया लिंक्स भी दी जाएंगे तो प्लीज़ उन्हें भी फॉलो करें. बहुत बहुत शुक्रन आप लोगों का. इट्स योर बॉय स्वैगी प्रिंस निगस.